स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे हमारी बॉडी के लिए एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की समान कार्य करता है। ये हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं। साथ ही ये ब्लड सेल का भी निर्माण करता है। तो मेनली हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो यहाँ पे हमारे बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। स्केलेटल सिस्टम में बोन्स के अंदर हमारे मिनरल्स भी यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। स्केलेटल सिस्टम को यहाँ पे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम भी कहा जाता है। तो आज हम यहाँ पे पूरी तरह से कवर करेंगे स्केलेटल सिस्टम को। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं। सबसे पहला तो ये हमारे मूवमेंट में मदद करता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही जा सकते हैं। हमारे जॉइंट्स, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, ये सभी एक साथ काम करते हैं और हमारे बॉडी में मूवमेंट आ जाती है। हमारे बोन्स जो कि स्केलेटल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है, वो ब्लड सेल का निर्माण करता है। बोन्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो बोन मैरो में ब्लड सेल्स का निर्माण किया जाता है। हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट भी प्रोवाइड करना, मेनली कहें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, फेफड़ा हो गया, स्टमक हो गया, इन सभी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। एक शील्ड के समान ये हमारे ऑर्गन के ऊपर लगे हुए होते हैं, जिससे कि बाहरी कुछ चोट लगने की जो आशंका है वो समाप्त हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मस्तिष्क है वो स्कल के अंदर रहता है, जिससे कि हमारे सिर में अगर चोट भी लगे तो वो डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क में नहीं लगेगी। उसी प्रकार हमारे चेस्ट एरिया में, छाती के एरिया में रिब्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार हमारे पीछे की ओर बैकबोन पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्पाइन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हमारे स्केलेटल सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण काम है मिनरल को स्टोर करना। कैल्शियम, विटामिन डी, ये जो मिनरल होते हैं वो हमारे ब्लड में ही होल्ड किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। तो इस प्रकार से फंक्शन हो जाता है। चलिए देखते हैं अब स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं और नवजात बच्चों में ये 300 होती हैं, बट धीरे धीरे जब उम्र बढ़ता जाता है तो वो 206 ही रह जाती हैं। स्केलेटल सिस्टम को आप देखते हैं तो बाह कंकाल और अंत कंकाल में डिवाइड कर सकते हैं। बाह मतलब एक्सो स्केलेटल सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी के बाहरी में पाए जाते हैं और इनको हम आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसके अपोजिट होता है हमारा एंडो स्केलेटल सिस्टम, अंत कंकाल तंत्र, जो कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। आप इन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको कोई ऐसा मशीन चाहिए जिसकी मदद से आप देख सकते हैं, जैसे कि एक्सरे। तो अगर आप एक्सो स्केलेटल सिस्टम को देखते हैं कौन कौन से हो जाते हैं, तो हमारे बाल हो जाते हैं, हमारे नाखून हो जाते हैं, हमारे मतलब कि जानवर के सींग हो जाते हैं, भाग खुर हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं अंत कंकाल के बारे में। अगर आप देखते हैं तो हमारा जो बोन या हड्डी है, सबसे पहले वो तीन भागों से या तीन लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी लेयर है हमारा पेरिओस्टियम, ये सबसे आउटर लेयर है, मेम्ब्रेन है हमारे बोन का, जो कि हमारे बोन को कवर करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और आउटसाइड से सुरक्षा देता है। दूसरा है कॉम्पैक्ट बोन, जो कि जस्ट पेरिओस्टियम के नीचे पाया जाता है। ये देखने में वाइट होता है, हार्ड होता है और ये हमारे बोन्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड है स्पंजी बोन, जो कि सबसे इनर लेयर होता है हमारे बोन का और ये सॉफ्ट होता है। इसमें एक स्मॉल होल भी पाया जाता है यहाँ पे, जिसमें कि मैरो
स्टोर किया जा सके और इसी बोन मैरो में हमारे जो ब्लड सेल हैं उनका फॉर्मेशन होता है। चलिए अब दूसरे कंपोनेंट देखते हैं स्केलेटल सिस्टम का, जो कि पहला होगा कार्टिलेज। कार्टिलेज जो हैं वो स्मूथ फ्लेक्सिबल पदार्थ होते हैं जो हमारे बोन के टिप को कवर करते हैं। जहाँ पे दो बोन आकर मिलते हैं वहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है और एक लेयर के समान ये काम करते हैं। ये यहाँ पे इसीलिए पाए जाते हैं ताकि हमारे बोन्स में आपस में फ्रिक्शन ना हो, मतलब कि हमारे जो हड्डी हैं वो आपस में रब ना करें, रगड़े ना, इसीलिए कार्टिलेज पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बोन्स जो हैं वो स्मूथली मूवमेंट करते हैं। जब हमारे कार्टिलेज जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं तो वो अर्थराइटिस का कारण बनता है, जो कि बहुत पेनफुल कंडीशन होता है। इसमें इंसान अगर मूवमेंट करता है तो पेन होना चालू हो जाता है। अब हम देखेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे किसी चीज़ का जॉइंट हो उस पॉइंट को जॉइंट कहा जाता है। जब हमारे बोन्स दो या दो से अधिक आपस में मिलने की कोशिश करें जिस जगह पे, उसे कहा जाता है जॉइंट्स। जॉइंट्स यहाँ पे हमारे तीन टाइप के होते हैं, इमूवेबल जिनमें मूवमेंट नहीं होता है, जैसे कि हमारे स्कल के बोन होते हैं खोपड़ी के जो कि मूवमेंट नहीं करते। सेकेंड है हमारा पार्टली मूवेबल जॉइंट जिनमें लिमिटेड मूवमेंट होता है, बहुत ही कम मूवमेंट होता है, जैसे कि रिब केज। हमारे चेस्ट में जो केज पाया जाता है, रिब्स का जो ढांचा पाया जाता है उसमें थोड़ा ही मूवमेंट होता है और इसे पार्टली मूवेबल जॉइंट कहा जाता है। थर्ड है मूवेबल जॉइंट, ऐसे जॉइंट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोशन हो, मूवमेंट हो, उसे मूवेबल जॉइंट कहा जाता है। जैसे कि आप अगर अपने एल्बो को देखते हैं उसे आप आसानी से मूव करा सकते हैं। शोल्डर के जॉइंट्स में अगर आप देखेंगे तो वो जॉइंट्स भी आसानी से मूव हो सकते हैं, जिससे आप अपने हाथों को आसानी से घुमा सकते हैं। आप अपने नी को भी देखते हैं तो उनमें भी मूवमेंट अच्छा खासा होता है, तो ये जो जॉइंट है वो मूवेबल जॉइंट होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे लिगामेंट। लिगामेंट जो होते हैं वो बैंड्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जो कि हमारे बोन्स को होल्ड करते हैं या फिर उसे बांधने की कोशिश करते हैं। मतलब कि लिगामेंट ऐसे जगह में पाए जाते हैं जहाँ पे दो बोन आपस में साथ हों। इसके अपोजिट यहाँ पे हमारा एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहा जाता है टेंडन। तो यहाँ पे जो हमारा टेंडन है वो भी एक प्रकार के टिश्यू होते हैं जो कि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। तो हमारे लिगामेंट क्या कर रहे थे? हड्डी को हड्डी से जोड़ रहे थे, बट हमारे जो टेंडन है वो हड्डी को मसल से जोड़ कर रखते हैं। अब यहाँ पे आप अपने बॉडी को देखेंगे तो पता चलेगा कि केवल बोन आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, बोन मसल्स के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे स्केलेटल सिस्टम के भाग हो जाते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो था उसको ख़त्म करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। लिगामेंट किसको आपस में जोड़ने का काम करते हैं? दो बोन्स को, मसल्स और बोन्स को, या फिर थर्ड ऑप्शन है दो मसल्स को? आंसर कमेंट करके दीजिएगा, ज़रूरी दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।